में सैन समाज का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित समारोह में युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड जॉब की तैयारी का रास्ता बताया गया। इस दौरान आयोजित कार्यशाला में नाई समाज में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की संभावना पर भी चर्चा भी की गई। सैन प्रोफेशनल ग्रुप की ओर से आयोजित कार्यक्रम में समाज के अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट ने राय दी। युवाओं को सैन प्रोफेशनल ग्रुप के माध्यम से हम चाहते हैं कि युवा जो है वो फर्स्ट ग्रेड जॉब्स में आए, यूपीएससी में आए, जुडिशरी सर्विसेज में आए और फॉरेन लैंग्वेज आईआईटी बने, JEE करें और डॉक्टर्स बने, क्योंकि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व फर्स्ट ग्रेड जॉब्स में बहुत कम है और राजनीतिक रूप से भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम सामाजिक रूप से, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैन समाज एक मार्केटिंग एजेंट के तौर पर है। वो एक एक व्यक्ति हजार हजार वोटर को प्रभावित करता है। उसके बावजूद भी सैन समाज के व्यक्ति को पार्टियों में, न तो BJP में न कांग्रेस में, कहीं भी अच्छा स्थान नहीं मिल पा रहा और हमारी राजनीतिक विरासत को हमें पर्दे के पीछे रखा जाता है। आज सैन समाज में लीड करने की प्रतिभा आ गई है। सैन समाज की वैल्यू हर पार्टी को हर जगह महसूस करनी पड़ेगी, यही हमारा उद्देश्य। जो अन्य संस्थाएं, अन्य समाजों को जब हम देखते हैं तो उन्होंने काफ़ी सारी संस्थाएं डेवलप करी और वो संस्थाएं आज काम करें। मैं खुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी, उसके बाद अभी मैं पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ। तो यहाँ सारी चीज़ें, मैं भी एक गाँव से निकल गया लेकिन एक बेहतर एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन ने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जो शायद मैं अब इन्जॉय कर पा रहा हूँ। और मैं चाहता